Xiaomi Android 14 का बीटा टेस्टिंग स्टार्ट कर चुका है और आप भी Android 14 का बीटा टेस्टर बन सकते हैं अगर आपके पास कुछ सिलेक्टेड Xiaomi का डिवाइसेस है, जो कि फ्लैगशिप डिवाइस ऑफ कोर्स आपका वही डिवाइसेस होगा, पुराना डिवाइस के लिए नहीं करेगा। और उस बीटा टेस्टिंग में आपका डिवाइस में प्रॉब्लम भी आ सकता है, जो कि ऑब्वियसली Xiaomi भी मेंशन कर दे रहा है और मैं भी आपको पहले बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए आपको जो 3 डिवाइसेस चाहिए, जो कि आपका Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 और Xiaomi 12T, ये सब डिवाइस में आपका MIUI बेस Android 14 का बीटा टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया है Xiaomi और इसका रिक्रूटमेंट भी कर रहा है। तो अगर आपको रिक्रूट होना है, इसका आप रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकते हैं और ये आपका फर्स्ट जो है कुछ मेंबर्स को ही लेगा, जो कि आपका 2000 है और 2000 आई गेस जल्दी नहीं भरे है, क्योंकि पहली बात है ये महंगा डिवाइस है, दूसरा बात है कि इसका यूजर्स काफ़ी कम है, काफ़ी कम बिकते हैं सब डिवाइस। तो अब अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो मोस्ट प्रॉब्ली आप इसका बीटा टेस्टर बन जाइएगा और आपको भी जो एक्सपीरियंस मिलेगा एंड्रॉयड 14 का। बट मेरे तरफ से मैं बोलूँगा, अगर आपको पर्सनल डिवाइस है, फ्लैगशिप डिवाइस है, मतलब पर्सनल डिवाइस है, तो आप उसको मत कीजिए ये चीज़, क्योंकि इससे आपको जो है लॉस ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम। बस एंड्रॉयड 14 का यूज़ करने का मिलेगा मौका, बट आपको MIUI बेस मिलेगा तो उतना कुछ आपका चेंजेस नहीं देखना मिलेगा, मतलब कि बस आपको एंड्रॉयड वर्जन का चेंजेस देखने मिलेगा, एक दो फीचर देखने मिलेगा, कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल UI नहीं देखने मिलेगा, वो आपका MIUI ही रहने वाला है। शायद आपका ऑफिशियल अपडेट बेटर हो इससे, तो उसका वेट कीजिए। अभी आपका MIUI 15 एंड्रॉयड 14 का वेट कीजिए, वो आपको बेटर मिलेगा। तो आप पढ़ सकते हैं पूरा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ईच मॉडल ओनली रिक्रूट 2000 यूजर्स, तो अब फर्स्ट 2000 यूजर्स को ही मिलेगा हर मॉडल का, जो कि आई गेस नहीं कंप्लीट होने वाला, और हो भी जाए तो ऑब्वियसली ग्लोबल है, इंडिया है, सब मिला के हो जाएगा। और फिर आपको नीचे मस्ट रीड बिफोर अप्लाइंग वाला है, तो हाँ आपका ये पढ़ लेना चाहिए, ये देख सकते जो भी प्रॉब्लम्स और जो भी जो है रूल्स, सभी कुछ आपको इसमें देखना मिल जाएगा। तो फिर आपको अप्लाई में ऑप्शन में टैप करना है, अगर आपको अप्लाई करना है रूल पढ़ने के बाद, तो वही है कि आपका डिवाइस में प्रॉब्लम्स आ सकता है, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर दौड़ना पड़ेगा, आपका डाटा भी जो जा सकता है, ये सब तो नॉर्मल है। तो अप्लाई में टैप करने के बाद आपको ये सब देखने को मिलेगा, जो कि फिर से वही कि हाँ आपको जो है अगर इंटरेस्ट है और आपका जो है पर्सनल डाटा इन्फॉर्मेशन ये वो सब आप Xiaomi का पॉलिसीज आप पढ़ सकते हैं। और फिर आपको देखने मिल जाएगा कि हाँ आपका वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन हो जाएगा, और फिर आपको देखने मिलता है हाँ वही आपका डाटा कलेक्शन, और ऑब्वियसली आप 18 साल से ऊपर होने वाला मतलब होना चाहिए, और फिर आपका मी आईडी मांगेगा, और फिर आपका डाटा जो लॉस होने वाला, और वही फिर आपका कौन सा वर्जन है क्या है, और फिर आपका डिवाइस, और फिर बस हो गया आपका। नेक्स्ट करते रहिए पढ़ के, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर रहा, और मेरे पास ये तीनों डिवाइस में से एक भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अब उतना यूज़ नहीं आ रहा कि फ्लैगशिप डिवाइस परचेज करने लायक आ जाए, इसे आता तो जरूर करके अप्लाई भी कर देता और ट्राई भी कर लेता, मेरे को तो डर नहीं लगता है, मैं कर लेता, बट नहीं है तो क्या फ़ायदा। बट हाँ अगर आपको करना है तो आप अप्लाई कर सकते, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ अप्लाई करो, बताओ कैसा लगा। अगर अप्लाई हो गया और अपडेट मिल गया तो नीचे कमेंट करो, हेल्प करो कि वीडियो बन जाए, नीचे भेज दियो लिंक अगर हो जाए तो अपडेट, और बस जाओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, इन्फॉर्मेशन और ऐसा इंटरेस्टिंग जो भी लेटेस्ट चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से प्लीज़, और बेल आइकन को टैप करके नोटिफिकेशन कॉल मेरे को, उस वीडियो को शेयर कर दो, कुछ पूछना नीचे कमेंट करो, सजेस्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।